ये देख लीजिए दोस्तों कितने ऊंचे प्रभु राम बनने वाले हैं और विद्या जी उनके पैर छूने जा रही हैं। ये दूर इधर से पैर छू के आइए जरा। हाँ आएगी वो ऊपर साथ कुंदा मंदा कस रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। वो देख लीजिए आज मैं बहुत ही अच्छी जगह के दर्शन कराने के लिए आज मैं आया हूँ। मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राचीन ये मंदिर है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। पूरा व्यू आपको बताने के लिए मैं बैक कैमरे से इसका आपको मनोरम दृश्य दिखाने की कोशिश को देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही एकदम सुहाना मौसम है और ऊंची पहाड़ी पर जाना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। गुरु आएगा ना, चलिए चलते हैं ऊंचाई पर पहाड़ी पर। यहाँ थोड़ा सा रास्ता आम चलता हुआ उतर जाऊं। और देख सकते हैं काम चलता हुआ और ऊपर जाना है हमें। मंदिर पे जाना है ऊपर नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर और ऊंचाई पर श्री राम विराजे हुए हैं और मैं आपको यहाँ का मनोरम दृश्य बारिश में चारों तरफ हरा हरा लगता है। थोड़ा सा मन के बैठ लीजिएगा विद्या जी अगर आप चल जाए कहीं। जय श्री राम। वाओ पूरी गुना देखते हैं। उतर जान दो ना। पैदल भी चल वो जरूरी है ना। चलो मैं आपको राम टेकरी का ऊपर का रास्ता दिखाती हूँ। तो देख लीजिए आप ऊपर आ गए अपन और ये हमारे पति जा रहे हैं।
बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है मंदिर। मंदिर का निर्माण चालू हो गया है, ये देख लीजिए मंदिर ये बन रहा है। हरियाली है, ये देख लीजिए ये शायद धर्मशाला बन रही है। ये पैर बन रहे हैं श्री राम के, और ये मशीन कितनी सारी बड़ी है, ये थक गई लेकिन। देख लीजिए ये हमारे पति आ रहे हैं, देखो इतनी ऊंचाई के मंदिर। आ गए, पहुंच गए, देखो ये मंदिर है कितना बड़ा, मतलब पांव बन रहा है श्री राम के। चलो बैठ रही है, हाँ पार कर चले जाऊंगी। ये देखो गुना दिख रही है, ये राम टेकरी वो हनुमान टेकरी। राम टेकरी और ये हनुमान टेकरी, तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए एक बार फिर मैं आपको बहुत ही सुंदर जगह के दृश्य कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा मनोरम दृश्य ये बारिश में आपको ये बहुत ज्यादा सुंदरता बिखेरता हुआ ये राम टेकरी का स्थान दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए बहुत ही ज्यादा मनोरम और बहुत ही ज्यादा सुंदर हरियाली और ऊंची पहाड़ी पर विराजमान स्वयं राम प्रभु, मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्राचीन और बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। वीडियो को देखिएगा, एक और बहुत ही सुंदर ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर स्वयं प्रभु निवास करते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर हरियाली, आइए मैं आपको प्रभु के दर्शन कराता हूँ। मतलब कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा आनंददायक जगह है। ये देखिए प्रभु स्वयं यहाँ पर निवास करते हुए और निर्माण कार्य चलता हुआ ये देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ऊंचे प्रभु राम बनने वाले हैं, 111 फीट के ये देखिए। और बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है गुना में ऐसे सुंदर स्थान देखकर। देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक पर्यटक बहुत ज्यादा सुंदर स्थान और निर्माण कार्य चलता हुआ देखिए। जेसीबी बहुत बड़ी वाली काम करती हुई ये देखिए, 111 फीट की मूर्ति बनने वाली है दोस्तों यहाँ पर प्रभु श्री राम की। और बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत सुंदर स्थान है ये श्री राम टेकरी का, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। और देखिए हमारे बहुत ज्यादा आदरणीय सर मिल गए, और आज देखिए किस्मत की बात है। और सुनाइए, बस आशीर्वाद है।
मतलब कह सकते हैं मंगलवार को आज मैंने भी यहाँ का प्लान बनाया और आपका देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, काफी लंबे वक्त से यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? 8-10 साल करीबन हो गए, 8-10 सालों से। और कैसी महिमा है, बहुत बढ़िया, हमारे संतों की कृपा है, बढ़िया सब। बहुत काफी दिनों से आ रहे हैं, जब बहुत ज्यादा जंगल था तब से आ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्राचीन स्थान है, यहाँ पर वीडियो बनाने का कारण है। ऐसा स्थान आपको कहीं 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 नहीं मिलेगा। ये देखिए हमारे हलवाई साहब, मैंने वीडियो में बताया था मालपुआ बना रहे थे, बहुत ही अच्छे। और जाइए दर्शन कीजिए और मैं यहाँ पर और थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। पहले केला खा लेते हैं दोस्तों, ये प्रसाद के रूप में केला है, अच्छे नहीं है, हमने उधर दिए सभी हो उधर। क्रेन से दूध देख सकते हैं, कार्य प्रगति पर, कार्य चलता हुआ और सब चीजों की यहाँ पर व्यवस्था होती हुई और बहुत ही जल्दी यहाँ का मंदिर का निर्माण होगा। सर जी कितने दिनों में मंदिर का निर्माण हो जाएगा? 6 महीने में हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं दोस्तों 6 महीने में यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा प्राचीन ये स्थान है और बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब कह सकते हैं श्रद्धालुओं का आना होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ का ब्लॉक बनाने का मतलब है सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, स्वयं राम प्रभु यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत ही ज्यादा प्राचीन स्थान है ये, और एक बार यहाँ पर आइएगा, इससे पहले मेरी वीडियो को देखिएगा। और आशीर्वाद ले लेता हूँ मैं गुरुजी का थोड़ा सा, काफी दिनों बाद गुरुजी आपके दर्शन हो पाए हैं। जय हो। और गुरुजी कैसा, क्या निर्माण चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, सुंदर मतलब कह सकते हैं यहाँ के गुरुजी हैं और बहुत काफी समय से यहाँ पर राम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं यहाँ पर गुरुजी की, क्योंकि ये मंदिर का निर्माण चल रहा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत ही भव्य मतलब कह सकते हैं मंदिर का निर्माण होगा। ये देखिएगा और वीडियो को देखिएगा और आनंद लीजिएगा, ऐसा सुंदर ब्लॉग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मिलेगा मेरे चैनल पर विद्या सुरेंद्र ब्लॉग पर, यहाँ का पूरा व्यू आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये देखिए एक और भक्त आ गए हैं। मैं दो शब्द पूछता हूँ सर जी, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीपेश लखेरा। और कहाँ रहते हैं? मैं नई सड़क गुना में रहता हूँ। और यहाँ कब से आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने? मैं कम से कम 5 साल से आ रहा हूँ। 5 साल से आ रहे हैं, कैसी क्या महिमा है यहाँ की? बहुत महिमा है, मतलब कह सकते हैं दोस्तों, क्या बखान करूं इसकी महिमा वाला जी। सही बात है, मतलब कह सकते हैं दोस्तों, भक्त यहाँ पर बहुत काफी समय से आ रहे हैं, कारण है प्रभु यहाँ पर बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं। आइए मैं आपको यहाँ के पूरे व्यू के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर है, गुना की बहुत अच्छी सुंदर जगहों में से एक है श्री राम टेकरी स्थान।
हरिया हरिया और बताइए, शुभ नाम बताइए अपना। गोलू कुशवा। और कहाँ से हैं? पवन कॉलोनी गुना से। और यहाँ प्रभु के दर्शन करने आए थे? हाँ। कब से आ रहे हैं? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से, मतलब कैसा क्या है, लगता है यहाँ पर आकर आपको? सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है, प्रभु यहाँ निवास करते हैं। और ये देखिए, बहुत ही ज्यादा तेज प्रगति पे कार्य चलता हुआ, बहुत ही भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण होने वाला है। तो वीडियो को देखिएगा और यहाँ पर दर्शन करने आइएगा, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। चले।